दोस्तों आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्यों कहा जाता है आप जानते ही होंगे। दोस्तों 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक अंतिम गेंद तक चला 16वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों ही टीम ने अभी तक 2023 आईपीएल में एक भी मैच नहीं जीता था। और क्या दोनों ही टीम ने बेहद ही शानदार खेल दिखाया, मगर अंतिम ओवर में अंतिम गेंद पर मुंबई ने मैच अपने नाम किया। दिखाएंगे मैच का पूरा हालचाल इसी वीडियो में। इससे पहले अगर आप रोहित शर्मा के बड़े वाले फैंस हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और मेजबान दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और डीसी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर भी ना खेल सकी और 172 रन पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 25 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा 54 रन की पारी खेली। वहीं डेविड वार्नर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। वहीं एमआई की तरफ से पीयूष चावला ने अपनी फिरकी के जाल में डीसी के बल्लेबाजों को फंसाया और 3 बल्लेबाजों को चलता किया। वहीं जेसन बेंडोर्फ ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं रायली मेरेडिथ ने 2 विकेट, वहीं ऋतिक शौकी ने 1 विकेट झटके। वहीं 173 के लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई की ओपनर जोड़ी रोहित और ईशान ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, बिना विकेट खोए 68 रन जोड़े। वही ईशान किशन मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते रन आउट हुए। ईशान किशन ने 26 गेंदों में 6 चौकों के साथ 31 रन की पारी खेली। वही रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 45 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 65 रन की पारी खेली। वही तिलक वर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 41 रन बनाए। वही अंतिम ओवरों में टिम डेविड और कैमरन ग्रीन ने हिम्मत और जज्बा दिखाते हुए एमआई को आखिरी गेंद पर जीत दिलवा दी। टिम डेविड ने 13 रन, वही कैमरन ग्रीन ने 8 गेंदों में 17 रन का योगदान दिया और एमआई के खाते में 2 अंक जमा किए। वही डीसी की तरफ से मुकेश कुमार को 2, वही मुस्तफिजुर रहमान को 1 सफलता मिली। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की जीत पर आप अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।